Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for one and only Miss Dr. Yogesh Lakhani, sir. जिनकी वजह से लोगों का ब्राइट है. ही इज अ पर्सन, इज अ किंग ऑफ आउटडोर मीडिया. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर. योगेश सर के बारे में छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जिसमें हाथ रख देते चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, जिन जिनकी इन्होंने होर्डिंग्स लगाई है, किसी भी फिल्म की होर्डिंग, किसी भी वेब सीरीज की होर्डिंग, किसी भी म्यूजिक एल्बम की होर्डिंग या किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड की होर्डिंग, एंड स्पेशली हमारे परफेक्ट वुमेन टीम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है. थैंक यू सर, आप हमेशा ही इज अवर ऑफिशियल आउटडोर मीडिया पार्टनर. आपकी वजह से हर इंसान की लाइफ एकदम ब्राइट हो जाती है. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ परफेक्ट मिस 2019 एंड द फोर्थ एडिशन ऑफ परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड. वेलकम सर, क्या कहना चाहेंगे सर परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड के बारे में? कल रात को लेट नाइट को लोनावाला था, स्पेशली ये इवेंट को विश करने के लिए गुरु भाई और डॉक्टर खुशी मैडम और उनकी जो बहन है गीत और सबको और जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको विश करने के लिए स्पेशल लोनावाला से आया. और आज मेरा 3 इवेंट भी है, तो पहला मैं यहाँ हूँ, बाद में फुटबॉल मैच, एक टाइफाइड है, तो तीनों में मेरे को विश करने जाना है. और मैं जब से परफेक्ट मिस इंडिया चालू हुआ है उनसे उनके साथ जुड़ा हूँ और उनका एक हिस्सा हूँ. और बॉम्बे में 100 में से 99 इवेंट्स, अवार्ड, एल्बम, सीरियल, फिल्म, परफेक्ट, सब में ब्राइट एक अच्छा रोल है, तो मुझे बहुत खुशी है. अच्छा, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, उनके बिना कुछ भी ब्राइट हो ही नहीं सकता. इवन सर आपका इतना आशीर्वाद है हर इंसान के ऊपर, हर आर्टिस्ट के ऊपर, हर कंपनीज के ऊपर, एंड ही इज अ बिग टाइम फिलैंथ्रोपी आल्सो. इतनी चैरिटीज करते हैं, इनके ट्रस्ट चलते हैं, एंड अभी इन्होंने किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल भी खोला है जिसके अंदर सिर्फ 1 रुपए के अंदर अपना डायलिसिस का इलाज करा सकते हैं. बट थैंक यू सर, आप गुरु भाई सर एंड डॉक्टर खुशी मैम को हमेशा इतना हमारे साथ जुड़े रहते हैं परफेक्ट बूम टीम के साथ. और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हमारे परफेक्ट मिस 2019 के कंटेस्टेंट को क्या बोलना चाहेंगे? सबको ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर एंड ब्राइट फ्यूचर. और 5000 मूवीज का काम ब्राइट ने किया है. 3000 से ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले, प्लस स्टेज पे 4000-5000 से ज़्यादा बार मेरे को फेलिसिटेट भी किया है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है. प्लस हमने एक NGO सोशल जो काम चालू किया है जिसमें फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल, एवरी डे ओल्ड एज वाले को फ्री होम डिलीवरी, टिफिन और एजुकेशन हेल्प, मेडिकल हेल्प और बच्चों के लिए और बाकी भी गरीब लोगों के लिए रोड पे खाना खिलाने का 1500 लोगों का, और ग्रोसरी हर महीने के पहले संडे पे 1600 लोगों को देते हैं. तो सोसाइटी, NGO, बिजनेस, कमर्शियल, ग्लैमर, फिल्म, सबसे पहले एंटरटेनमेंट और फैमिली, सबको टाइम देते हुए लाइफ जीते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करने के लिए स्पेशल हर एक प्रोग्राम का एनकरेज करने से याद आया कि सर ने मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया है. अलग अलग इवेंट्स में मुझे सर ने दर्शन करवाए हैं. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि सर आज आप परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड में खड़े हुए, फोर्थ एडिशन, मेरे ख्याल सर चारों साल के परफेक्ट अचीवर अवार्ड्स के हिस्सा है. एंड आप अचीवर अवार्ड के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा अवार्ड है और सबके लिए स्कोप और चांस अच्छा है, और इसमें जो जीतते हैं उनको अच्छा बिजनेस और काम मिलने के भी स्कोप हो जाते हैं और सबका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है. और जितने भी इवेंट्स इंडिया में होते हैं 100 में से 90 अवार्ड में ब्राइट रहता है, जैसे फिल्म फेयर है, आईफा है, फेमिना, ग्लेटरेज, स्क्रीन, स्टारडस्ट, जी, अप्सरा, जस्टिन, मतलब 90% बड़े में बड़े इवेंट में भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि हर एक में मैं जुड़ा हुआ हूँ. तो कोई भी इवेंट में छोटे रहे बड़े रहे ब्राइट हमेशा उनको सपोर्ट करता है. सर इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज. 99% जितना मैंने देखा है 100%, 4 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ बट मैं 4 साल से देख रहा हूँ, 101% विदाउट ब्राइट देर इज नो स्कोप ऑफ एनी बडी ब्राइटनेस. सो इट्स लाइक अवर सनराइज. God is great, बस भगवान के आशीर्वाद. एंड सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और सर इतने शॉर्ट टाइम पे आए और सर को भी 3-4 इवेंट्स में और भी जाना है, बट फिर भी आपने टाइम निकाला, इट्स लाइक ऑनर एंड प्रिविलेज. ट्रूली काइंड थैंक्स सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड फोर्थ एडिशन एंड द परफेक्ट मिस 2019. थैंक यू सर. एंड सॉरी सर, सर गुरु भाई सर और डॉक्टर खुशी मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दोनों जना बहुत अच्छे इंसान है और बहुत सालों से, ये 4 साल से जो इवेंट कर रहे हैं और जो मतलब स्पॉन्सर को ला रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उनके लिए तारीफ़ काबिल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सर वी लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट. सर मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? फ्यूचर में सुपरस्टार होने वाले हैं, जिसने भी मेरा हाथ पकड़ा वो बड़ा बने. गुजराती में बोल देना कि हमारे गुजराती रिपोर्टर्स भी आए हैं. सब पूछे सर, हूँ गुजराती, जैन छू, अने ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन, अने नवू साल मुबारक, अने ब्राइट फ्यूचर, अने बधा खुश रहे, बधाना घरे सुख शांति अने आनंद रहे, अने संयमथी अने जीवन सारू चाले, अने बधाने सारू बिजनेस ऑपोर्चुनिटी, अने जेना मन માં કોઈ પણ ભાવના એ પૂરી થાય અને ભગવાન બધાની મનોકામના પૂરી કરે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. મેડમ ક્યાં કહેના ચાહેંગી પરફેક્ટ મિસ
2019 का जो अवार्ड शो है जिसमें आपको ये अवार्ड मिलना है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि वुमेन्स के लिए जो है प्लेटफॉर्म दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है। जैसे इंडिया के लोग जितने भी है अचीवर्स है उनका हम लोग को जनरल लोग को पता नहीं चलता है, तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग को मतलब जितने भी हीरे छुपे हैं अपने इंडिया में वो फ्लैश होने होंगे। कहीं ना कहीं टैलेंट लोगों को दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब खुशी मैन के लिए, गुरु भाई के लिए, क्या वो लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को? तो ये जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं सर। अभी आपको किस लिए अवार्ड मिल रहा है कि क्या? जी मैं एक इंटरनेशनल स्विमर हूँ और 2014 में मैंने 12 घंटे लगातार स्विमिंग किया है, जिसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। इसके लिए वो मुझे अचीव के लिए वो मुझे अवार्ड मिला जा रहा है। आज परफेक्ट अचीवियर अवार्ड मिल रहा है, आपको कितना एक्साइटेड हो, क्या लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मतलब एक्चुअली मैं मैरिड हूँ तो मैं कहना चाहूँगी जितने भी मैरिड वुमन है वो अपना करियर या कोई हॉबी है वो कंटिन्यू रखे शादी के बाद भी। और मैं कहना चाहूँगी अपने मतलब पति से या सारे सासुओं से कि अपने अपने बहुओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उनको मोटिवेट करे, उनको रुकाए नहीं वहाँ पर। भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जब भी फंक्शन होता है बहुत ही शानदार होता है, सही होता है। और मैं समझ रहा हूँ कि आज के दिन में या आज के जो ये माहौल में इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उसमें जो लेडीज़ को या बाकियों को जो प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाया जाता है, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी बहुत ही अच्छी बात है ये। और ऐसे में हम जैसे कलाकारों को भी बुलाया जाता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए हार जीत की अलग बात है, मगर आप लोगों का आना और यहाँ पे परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है। सर गुरु भाई के लिए और खुशी मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुरु भाई ठक्कर और खुशी जी ये दोनों मेरे प्यारे लाडले हैं और इन दोनों बच्चों के लिए तो मैं एक ही बात कहता हूँ, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, गुरु भाई खुशी आई लव यू यू लव मी। तो उन लोगों के लिए तो मैं इतना ही करता हूँ, जब भी वो मुझे याद करते हैं गुरु साहब और खुशी जी, मैं इन दोनों बच्चों के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, जबकि मैं अपना एक फंक्शन छोड़ के यहाँ आया हूँ, खास करके क्योंकि इनके फंक्शन में एक लाइफ ही अलग है, खास करके लेडीज के प्रति जो इन लोगों इतना जो करते हैं प्रोग्राम के अंदर कि उसको सराहना करके उनको आगे बढ़ाना, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को जैसे लेडीज प्रधान होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान, वैसे प्रोग्राम भी होना चाहिए और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते जी। आज परफेक्ट अचीवियर अवार्ड शो 2019 है, क्या कहना चाहेंगे? Okay, I think first of all we'd like to thank Mrs. Kushi Guru Banu Thakkar for organizing such a good thing. ये बहुत ही अच्छा platform है because I think ज़रूरी नहीं कि इतनी सारी competitive channels, इतने सारे competitive awards होते हैं, but I think हर एक को हक है कि भाई have something like this made for all the women out here because I think this is a women's world, जैसे बोलते कि ये women's world है तो हर एक women को हक है कि अपनी तरह से perfect contest ऐसे रखे because हर एक जन को chance मिलना चाहिए, ज़रूरी नहीं सबको आजकल डिजर्विंग चांस मिलता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म के सब इकट्ठा होके सबको अपनी टैलेंट पेश करने का मौका मिलता है, दे गेट टू शोकेस द टैलेंट द यूथ, इट्स विद ब्यूटी विद ब्रेन, बिकॉज जस्ट नॉट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स ऑल्सो अबाउट बींग स्मार्ट, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक आई एम प्रिविलेज टू बी हियर टू बी अ जज फॉर सच अ लवली कॉन्टेस्ट। वी ऑलवेज हैड अ ग्रेट रैपो विद खुशी, आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी नाइस एंड आई ऑलवेज विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इन एवरीथिंग दैट शी डज एंड गॉड इज वेरी काइंड, आई थिंक एवरीथिंग गोना रॉक एंड वी गोना रॉक टुनाइट। जो लोग आज परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए क्या कहने चाहेंगे? ऑलवेज एक कहावत है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, माने आप हमेशा सबसे अच्छा करिए और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। सो दैट इज रियली फैंटास्टिक, आई एम श्योर हर एक जन ने मेहनत काफ़ी की होगी और हर एक अपना बेस्ट करना पेश करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर दे विल रॉक द इवेंट एंड दिस इवनिंग इज गोइंग टू बी रियली फैंटास्टिक, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू काइंड ऑफ हैव अ लवली इवनिंग आउट हियर।
खुशी जी ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है प्लस स्मार्ट है, सो अगेन हम लोग बात करें अबाउट द परफेक्ट वुमेन, तो व्हाट बेटर एग्जांपल देन यू नो बीइंग हर। ये बहुत ही सक्सेसफुल स्किन डॉक्टर रही हैं, बहुत ही सक्सेसफुल यू नो एंटरप्रेन्योर रही है, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट यू नो कोऑर्डिनेट करती है, तो आई थिंक शी इज एन ऑलराउंडर और उनके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, तो आई थिंक दैट रियली मैटर्स एंड आई थिंक उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आज शाम को भी उनके पास थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा था मेकअप के लिए, बट आई थिंक शी फॉट द इवेंट और उनको यू नो परफेक्ट हो गया, तो आई थिंक गॉड इज ऑलवेज काइंड एंड उनके सर पे एंजल्स बैठे और हम भी बैठे उनके लिए, तो शी इज एक्चुअली अ ट्रू एंजल फॉर मी बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज बीन नोटिसिंग हर एक्टिविटीज एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हर ट्रूली बिकॉज़ आई बिलीव दैट द वुमन इज ऑल अबाउट व्हाट शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ, इट इज ऑलवेज या इट इज ऑलवेज इन द मेकअप इंडस्ट्री आल्सो, इफ यू सी आई एम रियली अ फैन ऑफ हर्स, दैट इज द रीजन आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग हर दैट यू हैव टू बी ऑन माय पैनल एंड शी इज दैट्स द रीजन शी इज हियर बिकॉज़ इन्होंने जहां तक हो सके हमारे जितने कंटेस्टेंट्स है बिकॉज़ आवर पेशेंट इज नॉट ऑल अबाउट हाइट और पर्सनैलिटी, आवर पेशेंट इज ऑल अबाउट वुमनहुड एंड शी हैज बीन रियल मोटिवेशन फॉर एवरीवन, वी ऑल ऑफ द शी इज एक्चुअली अ ट्रू मेंटर फॉर माय गर्ल्स, सो आई रियली इट्स माय प्रिविलेज टू हैव हर ऑन माय पैनल एंड टुडे शी इज रियली अ ट्रू हार्ट फॉर दैट्स सो नाइस। बट सीरियसली जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ अपनी खूबसूरती का नुमाइश करने के लिए कॉन्टेस्ट नहीं है, दिस इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, बिकॉज आप अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हो सकती, बहुत सारी कलाएं हो सकती है जो ना गॉड गिफ्ट होती है, काफी टाइम लोगों ने निखारी होती है, तो आई थिंक उसी तरह से हमें जज करना, बिकॉज खाली ब्यूटी से जज करना कोई यू नो बड़ी बात नहीं है, आम यू नो जनता में कितनी खूबसूरत लड़की, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में कोई एक्स फैक्टर होता है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर गोना बी जजिंग समबडी हु हैज दैट एक्स फैक्टर इन देम एंड हु इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग मोर देन एनीथिंग एंड हु कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस इवेंट इन अ वेरी गुड वे, सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर, सो वी आर गोना मेक श्योर दिस इज लाइक अ रॉकिंग इवेंट एज ऑलवेज एज एवरी ईयर एंड अगले साल भी हम वापस आएंगे बहुत ही इससे भी जोरदार इवेंट के साथ एंड गॉड इज ऑलवेज देयर आई सेड, सो यू नो वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस एंड आई एम श्योर आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं, बिकॉज आई थिंक आपके लिए भी बहुत मजा है, बहुत ही एंटरटेनमेंट है और बहुत सारी सरप्राइजेस भी है। हाँ, और हम लोग दोनों अभी बहुत जल्दी एक नया इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट विल बी स्पेसिफिकली ओनली फॉर ब्यूटी बिकॉज शी इज द ब्यूटी क्वीन, सो शी इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ दैट डेफिनेटली, एंड आई थिंक वी शुड कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर ऑफ द इवेंट बिकॉज सबको बहुत ही आई थिंक हर एक इंडस्ट्री की लड़कियों को चांस मिलता है कि यू नो दे गेट द कॉन्फिडेंस, बिकॉज आजकल स्टेज पे आना ईजी नहीं है, बिकॉज यू नो हम लोग आज से बात करें लेकिन हर एक लड़की ऊपर स्टेज पे आए कॉन्फिडेंटली बात करे यू नो काइंड ऑफ स्ट्रट द रैंप, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज क्या है उसके लिए आपको बहुत सारा गट्स चाहिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए, सो आई थिंक एक तरह से बहुत ही अच्छा है कि हम लोग यू नो आम जनता को एक चांस दे रहे कि उनको कॉन्फिडेंस आए कि वो कोई भी यू नो जेंडर में कहीं भी काम करे, तो आई थिंक जब कॉन्फिडेंस आप में है तब कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, यू कैन रियली बी फोकस इन योर करियर, यू कैन बी सक्सेसफुल, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज गाइज ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड लाइक ऑलवेज अगेन से ऑलवेज डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। आज 15 लड़कियां कंटेस्टेंट्स हैं जो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेंट है और वो सभी आपको लगेगा जैसे डोर नेक्स्ट है बिकॉज वो बहुत सिंपल लड़कियां हैं, सिंपल घर से हैं, सिंपल छोटे शहरों से हैं, ड्रीम्स उनके हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था बिकॉज पेजेंट इंडस्ट्री हैज ऑलवेज डू एंड डोंट्स और यहाँ हमारे यहाँ पे देर इज नो क्राइटेरिया एट ऑल, सो यू विल फाइंड ऑल वेरी सिंपल गर्ल्स विद ब्यूटिफुल ड्रीम्स विच इज वॉट इज कमिंग ट्रू टूडे, तो आपको बहुत अलग तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस तरह की तैयारियाँ थी, किस तरह से प्रिपेयर किया करें किया गया इन लड़कियों को, इन लोगों के साथ में ग्रूमिंग्स जो है हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ही उनको ग्रूम किया हुआ है ताकि उनको ब्यूटी के बारे में मालूम पड़े, उनको ब्यूटी के अभी उनको हम लोग सेशन जो वेनस होंगी उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं और ग्रूमिंग्स इस तरीके से की जाती है ताकि उनको कॉन्फिडेंस है, मेन ग्रूमिंग वो होता है कि आप चार लोगों के सामने बिंदास बात करो जो बहुत मुश्किल होता है, तो वो हम उनको कराने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड्स हमारा जो होता है बेसिकली हम हर किसी के जो टैलेंट है बिकॉज एवरी वन इज टैलेंटेड उनकी जो टैलेंट है उनको हम फेलिसिटेट करते हैं एक अवार्ड के जरिए, तो आज ये आपको देखेगा विच अवार्ड इज फॉर ऑल डिफरेंट कैटेगरीज। आई थिंक हम ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कि सिर्फ खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ खूबसूरत इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नॉट मैनेडेटरी, बिकॉज आई थिंक आप अच्छे इंसान होना चाहिए, आपका वाइब आपका ऑरा भी पॉजिटिव होना चाहिए और आप में कुछ कर दिखाने की काबिलियत भी होनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ खूबसूरती के ऊपर यू नो ये कोई यू नो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट खाली ऐसे नहीं कि भाई हम स्विमवेयर राउंड में आए और यू नो ब्यूटीफुल दिख रहे हैं और उसके लिए आपको प्लस पॉइंट्स या बोनस पॉइंट्स मिले हैं, लाइक जैसे उन्होंने बोला कि छोटे शहरों की लड़कियों को भी हक है इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का और काफ़ी टाइम हमने देखा कि बिकॉज ऑफ दैट बैक
background, they do not get a chance in other contests. We have such a good platform that all these beautiful girls get a chance to show something here. And at least unki umeed bani rehti because sabko ek chance deserving ki zarurat hoti hai. We all deserve a fair chance and we all need that chance, so which is why she is here to give everybody a chance. Yeah. So hum log casting is right. Visuals nahi khade rehte tab visuals le jayenge. Aaj perfect achiever award grand finale ka kya pehle main apna naam batau. Mera naam Vijaya Patguri hai. Mountaineer hu main aur maine kafi peaks climb kiye hai aur abhi is line mein ye mujhe leke aa rahi hai Khushi Gurbani, to mujhe bahut acha lag raha hai aur अवार्ड जो ला रहे हैं, जो आजकल जो है कि लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है, बहुत उसमें एक नाम इनका भी जुड़ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत काम कर रही हैं और बहुत मैं मेरे को इस यहाँ पर बम्बई में इतना उद देने के लिए इनका ही हाथ जाता है, इनका ही हाथ है, तो बहुत अच्छा है, बहुत ये आगे बढ़ा रही हैं और लेडीज के लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात है. और क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे कंटेस्टेंट परफॉर्म करने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही कहना चाहूँगी कि मैं आदमी जितना जितना आगे बढ़े उतना उसको नीचे होना चाहिए, न कि हम लोग माना जीत गए तो उसके बाद हम अपने उसमें हैं, घमंड में हैं. वो मैं यही संदेश देना चाहूँगी और देती आ रही हूँ हमेशा. एक पर्वतारोहण के चलते मेरा भी एक नाम है, मिस बचेंद्री पाल के साथ में रही हूँ, तो मेरा यही संदेश है कि आप जितना ऊँचे उठते जाओ उतना आप विनम्र बनो, शांत बनो और दूसरों के लिए करो. आपके लिए ये कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं, आप उस काम को दूसरे के लिए करो, दूसरे को आगे बढ़ाओ. और क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को? मैसेज लोगों को, सबसे बड़ी बात मैसेज मैं ये देना चाह रही हूँ कि ये जो मैसेज दे रही है, एक आपको शायद पता होगा जो प्लास्टिक नो प्लास्टिक कैंपेन हम लोग काम करते हैं, तो उसमें मेरी बेटी मधुरी मधुरी जो अभी बिग बॉस में है उसने भी अपना भेजा है, वाइस प्रेसिडेंट हाँ उसने भी वीडियो भेजा है अपना, तो पता होगा आप लोगों को मधुरी मधुरी जो बिग बॉस में अभी, तो उसने भी अपना मैसेज भेजा है कि प्लास्टिक से धरती को मुक्त करो. मैं बहुत पहले से जो माउंटेनियरिंग से हम लोग जुड़े हैं, तो हमारे जो ब्रिगेडियर वगैरह होते थे वो हमको एक ट्रॉफी का रैपर भी नीचे नहीं फेंकने देते थे. तो ये घर से शिक्षा देनी चाहिए कि आप ट्रॉफी का रैपर भी मत फेंको, कहीं जाते हो तो वो ट्रॉफी का रैपर आप इकट्ठा करके आओ. तो ये बहुत बड़ा संदेश जो ये दे रही है, ये लोगों को भी मानना चाहिए. और मेरी सबसे अभी तक जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे उनकी डॉटर है मधुरी मधुरी जो अभी बिग बॉस में है, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है. सो आई एम रियली थैंकफुल. सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भी कितने लोग इससे जुड़े हैं और बहुत हम्बल है, बहुत मतलब मैं तो जब देखी कि इतनी विनम्रता भी किसी के अंदर हो सकती है तो मैं बहुत हैरान होती हूँ. तो ये इसके थ्रू जो हम लोग कर रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ करो, बल्कि इनमें कभी कभी हाथ में हमारे प्लास्टिक रह जाते हैं तो शर्म आ जाती है मार्केट में मुझे, जब हम प्लास्टिक हटाने के लिए कह रहे हैं हमारे हाथ में प्लास्टिक है तो मैं ऐसे छुपा लेती हूँ, इतना ख़राब लगता मुझे अगर मेरे हाथ में प्लास्टिक आ जाए तो इसलिए. और एक बार अभी कोई बोतल थी मेरे हाथ में, मेरे को लगा ये बोतल प्लास्टिक की तो नहीं है, क्योंकि हम इतना भाषण दे रहे हैं हमारे हाथ में प्लास्टिक होगा तो कितना ख़राब लगेगा. तो इसलिए मतलब जो हम बोलते हैं वो हमको पहले खुद भी करना है, खुद आजमाना है, खुद आजमाना है. जितने हैं यहाँ पे उनको सबको खुद आजमाना पड़ेगा, तभी हमारी बात के मायने है, अदरवाइज हमारी बात के कोई मायने नहीं. और इनका हमेशा से मेरे हर इवेंट में बहुत बड़ा साथ रहा है, बिकॉज शी इज एक्चुअली मदरली फिगर. हमेशा डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, कुछ गलत हो जाता है प्लास्टिक को लेकर के कुछ होता है तो सलाह देते हैं, गाइडलाइन देते हैं. तो शी इज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्ट्रेंथ फॉर परफेक्ट वुमन. शी हरसेल्फ इज अ परफेक्ट वुमन, नॉट ओनली फॉर मधुरिमा और एनीबॉडी, फॉर एवरीवन. तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुशी को कि आज भी वो मुझे बुलाई है और मैं कोशिश करती हूँ कि इसके हर प्रोग्राम में आऊँ. और क्या पूछ रहे हैं आप लोगों को? हो गया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों का. सबसे पहले तो मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बोथ, क्योंकि ये चौथा साल है कि ये प्रोग्राम हो रहा है और शुरुआत आज के ज़माने में बहुत करते हैं और सस्टेन बहुत कम कर पाते हैं, तो ये चौथा साल है. दिस इटसेल्फ शोज हाउ सक्सेसफुल द प्रोग्राम इज एंड हाउ कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग इट, तो बहुत अच्छी बात है. और
लोगों को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना, क्योंकि कोशिश तो हर कोई करता ही है आज की तारीख में, पर सही समय पर अगर उसके काम का, उसकी मेहनत का रिकग्निशन अगर उसे मिलता है तो वो हिम्मत बढ़ जाती है। पर्सन ट्राइज हार्डर, फील्स मोर सेटिस्फाइड, सो या इट्स अ वंडरफुल स्टेप एंड अ वंडरफुल थिंग जो आप दोनों कर रहे हैं। आपको अक्षी इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड मैं खुशी को बहुत सालों से देख रही हूँ, सालों से। शी इज अ वेरी रियली हार्ड वर्किंग गर्ल एंड आई फील प्राउड कि आप इस फील्ड में, मैं भी इस फील्ड में हूँ एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कितना कितना चैलेंजेस एक्सेप्ट करके और वी जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड आई एम विशिंग यू कि दिस इज फोर्थ ईयर बट हम 14 ईयर्स 40 ईयर्स तक भी कि अपना एक यू नो देखो कोलैबोरेशन में या आपका जो भी आप इवेंट्स करते हो वो एक आगे चढ़ते रहे एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। या थैंक यू सो मच। Can we just do this once everything goes off? What show रहे हैं ना? नहीं आज आपको award मिला है perfect woman achiever award क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much perfect woman for this amazing award. It really means a lot and thank you everyone and all the contestants. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप जीतो ना जीतो आप लोग ने हजारों हाथ जीत लिए हैं एंड ये अवार्ड इज रियली मींस अ लॉट बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम रियली थैंकफुल फॉर खुशी मैम फॉर बिकॉज शी इज एम्पावरिंग सो मेनी वुमेन एंड इट्स अमेजिंग अवार्ड। या जो कंटेस्टेंट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जीतो या ना जीतो आपने ऑलरेडी बहुत सारे हार्ड जीत लिए हैं, आप लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और मुझे ये कॉन्टेस्ट के बारे में एक बात बहुत अच्छा लगा कि वो लोग ये नहीं देखते कि आपकी हाइट क्या है, आपका रंग कौन सा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल यूटिलाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर और वो आपकी नजरों में है कि कौन सुंदर है कौन नहीं है। सो एवरीवन इज वेलकम इन दिस कॉन्टेस्ट। सर क्या कहना चाहेंगे परफेक्ट अचीवियर 2019 अवार्ड शो का आयोजन ग्रैंड फिनाले सर क्या कहना चाहेंगे? परफेक्ट अचीवियर्स अवार्ड जो है आज ग्रैंड फिनाले है और हर साल की तरह जैसे चार सालों से हो रहा है, आई फील डे बाई डे ये ग्रो कर रहा है और मुझे लगता है कि अगले साल और भी बड़े तरीके से चीज़ें होंगी, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड को। तो और आज मुझे भी एक अवार्ड मिलने वाला है बेस्ट एक्टर परफेक्ट अचीवर अवार्ड, तो थैंक्स कहना चाहूँगा इनको मैं, थैंक्स कहना चाहूँगा गॉड को इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। खुशी मैम और गुरु भाई चक्कर के लिए क्या कहना चाहेंगे? खुशी जी के लिए और गुरु जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के जनरेशन के जो
टैलेंट है उनको ये मौका दे रहे हैं, और जिनका टैलेंट आ चुका है पर्दे पे उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज कलाकार को सिर्फ उसकी जो टैलेंट की अगर आप सराहना करते हैं, तालियां जो बजती हैं उसके लिए, जो अवार्ड जो उसे मिलता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। सो आई विल से कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग सर परफॉर्म कर रहे हैं आज कंटेस्टेंट, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो भी कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं आज, मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, बिकॉज ये आपके करियर की शुरुआत है जहाँ पर आप एक नए फील्ड में कदम रख रहे हैं। आज अगर आप जीतेंगे तो और आगे चुनौतियाँ बढ़ेंगी, डिफिकल्टीज विल बी हायर एंड हायर, बट आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सर न्यू ईयर आ रहा है, उसके लिए कुछ न्यू ईयर के न्यू ईयर जैसे कि आ रहा है बहुत जल्द, दो दिन बाद नया साल आ रहा है, और मैं सभी हमारे देशवासियों को, वर्ल्ड वाइड मेरे जितने भी दोस्त हैं, फैंस हैं, सब फैंस को कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय लॉट, एंड 2020 हम सब के लिए बहुत धमाकेदार होने वाला है। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड लव यू। यार ये बहुत ही कमाल का अवार्ड शो है, यू नो आई थिंक एवरीबडी वैल्यूज वुमेन एज मच एज एवरीवन डज, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो द क्रिएचर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी ऑफ आवर यूनिवर्स, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनको एक सम्मान दिया जाता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू ऑनर वुमेन हु हैव डन सो मच फॉर अस, दे हैव क्रिएटेड दिस ह्यूमैनिटी, एंड आई फील वेरी पावर टू बी हियर टू बी सपोर्टिंग देम। सर जो लोग यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं यार जो परफॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पर करने वाले उनके लिए आई एम गोइंग टू बी चेयरिंग फॉर देम, बिकॉज एक अच्छे कॉज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और काफ़ी सारी सहानुभूति है मेरी उनके साथ, सो आई थिंक इट्स बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू वॉच एंड सपोर्ट देम। उम्मीद तो है, ये देखा जाएगा कि अगर मैं डिजर्विंग हूँ तो मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो इफ इट हैपेंस आई विल बी वेरी ऑनर्ड टू रिसीव इट, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इफ आई डू रिसीव एन अवार्ड। क्या कह रहे हैं? जी जी, आई थिंक खुशी आई विल से दैट यू नो शी इज created a great platform to honor women, and I think she's empowering women by this platform, and I'm very happy that she has created this cause, and kudos to her, more power to her. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक वुमन है और वो भी परफेक्ट अवार्ड के लिए, अचीवमेंट के लिए तैयार हो रही है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी हैप्पी कि पूरे साल भर जितने भी ब्यूटीफुल वुमन्स हैं, ब्यूटीफुल लड़कियों ने अपनी मेहनत की होगी, आज उसका एक टोकन मिलने वाला है, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट। वो लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट, उनके बारे में क्या कहेंगे? सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, एंड आई थिंक आई वुड लव टू विश देम ऑल द वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक, एंड जिनके भी नंबर्स नहीं आते या फिर वो नंबर वन पे या सेकंड विनिंग पे नहीं आता है तो निराश मत होइए, क्योंकि शुरुआत ऐसी होती है, जो पहले हारेगा उसके बाद वो हमेशा के लिए जीत हासिल करेगा। सो हमेशा आपकी कोशिश अमल रखिएगा, आपकी कोशिश की ही जीत होती है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैडम
सॉरी मैं सिर्फ उनको गुड लक विश करना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आई हैव नो आइडिया कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है कि नहीं, बट ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसको परफेक्ट वुमन अचीवर अवार्ड मिले, एंड आई विल बी थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीबडी अगर मुझे आज अवार्ड मिला तो। थैंक यू आज परफेक्ट वुमन अचीवर अवार्ड फंक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ बिकॉज सबसे पहले तो मैं परफेक्ट वुमेन मैगजीन के साथ एसोसिएटेड थी, जो यू नो बहुत ही ऑनरेबल एक रिस्पेक्टेबल प्लेस है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट, एंड अगेन आई एम हियर परफेक्ट वुमेन अचीवर्स अवार्ड में, एंड आई एम ऑल्सो रिसीविंग एन अवार्ड हियर टुडे, सो आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, सो थैंक यू टू एवरी वन हुज एसोसिएटेड विद इट। क्या ये अवार्ड आपको भी मिलने वाला है? आपको भी मिलने वाला है अवार्ड? मुझे ऐसे पहले कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं अवार्ड रिसीव करने आई हूँ। आई एम गेटिंग द अवार्ड फॉर बेस्ट टीवी एक्ट्रेस कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिल रहा है, एंड एज ए जस्ट सेड मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ एंड वेरी ऑनर्ड ऑल्सो, सो आई एम हियर। जो जो कंटेस्टेंट आज परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? उन सबको मैं ये कहूँगी कि यू नो बहुत मेहनत लगती है, रिहर्सल्स होती है एंड इतना सब कुछ होता है, एंड आउट ऑफ द टाइट स्केड्यूल एवरीवन हैज़ टू टेक आउट टाइम फॉर दिस, सो जो भी परफॉर्म कर रहा है आज आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली नाइस एंड अमेजिंग, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, एंड बहुत इन्जॉय करूँगी मैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, बिकॉज यू नो अभी हमारी टीआरपी नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन टीआरपी आई है, एंड आउटसाइड इंडिया इन यूके हमारा जो शो है वो नंबर वन रैंक हुआ है, जो यू नो अभी एक हफ्ते में ऐसा रिस्पांस आना बहुत अमेजिंग है, एंड जो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, अभी हमारी भी टीआरपी आएगी, सो यू नो जब हमारे शो के प्रोमोज ऑन एयर हुए थे एंड टीजर्स ऑन एयर हुए थे, एवरीवन वाज सेइंग, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे वो आउट ऑफ इंडस्ट्री हो, सबका ये रिस्पॉन्स था कि स्टोरी जो है काफ़ी डिफरेंट लग रही है, एंड इट इज़ वेरी इंट्रीग और इमोशनल है, सो एवरीबडी वाज वेरी कीन टू नो कि क्या होने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत डिफरेंट है, और अब जो हमें जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज़ कमेंडेबल, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि स्टोरी जेन्युइनली बहुत अच्छी है, एंड अभी आगे आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले दोनों खुशी को एंड गुरु भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये इनका फोर्थ ईयर है, एंड इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, सारे हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स देखे हैं जो बहुत ही नेचुरल लग रहे हैं, एक सब पे अपना एक अलग चार्म है, अपना उनका एक अलग पर्सनालिटी है, तो कोई भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, एंड लॉट ऑफ टैलेंट वी कैन सी, एंड मेरा सबसे जो फेवरेट सेगमेंट था वो था जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ वॉक कर रहे थे, विच इज़ समथिंग डिफरेंट, सो एंड पेरेंट्स को भी मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, दे वर नॉट शाय, दे वर एंजॉयिंग विद किड्स, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग, आई मीन इट्स अ बिगेस्ट थिंग, लाइक यू नो इफ यू आर सपोर्टिंग योर किड ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर एंड फॉर द अभी एक्चुअली शो चल रहा है, सो यू नेवर नो लाइक यू नो हु विल बी द विनर, बट जो भी विनर रहेगा उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टू यंगस्टर्स भाई, हिंदुस्तान भर से क्या आजकल, आज की तारीख में तो पूरी दुनिया से बॉलीवुड के एस्पायरेंट्स मुंबई आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, तो ऐसे कंफ्यूजन में एक प्लेटफॉर्म देना यंगस्टर्स को कि भाई आइए यहाँ पर, आपको एक विश्वसनीय, एक बिलीवेबल ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एक पहचान, अगर यहाँ आपको कुछ मिलता है तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म यू गेट टू रीच अ वाइडर क्रॉस
सेक्शन ऑफ पीपल, ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, पहचानते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक शाबाशी मिलती है, आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो या सो इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर दैट दे कंटिन्यू टू डू दिस. Thank you very much. This is my first award as a PR and I'm really grateful to Perfect Woman magazine, Khushi Thakkar and the Guru Bhai Ji. And I especially want to say thanks to Geet Thakkar because unhone hi mujhe invite kiya tha and I have a long association with Perfect Woman. Before becoming a PR, I was working as a freelance journalist. So us time pe maine kaafi time tak Perfect Woman ke liye kaam kiya hai aur kaafi lamba association raha hai aur I hope ki aage bhi aise hi chalta rahega. परफेक्ट वुमन मैगजीन बिकॉज मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कम से कम 4 साल काम किया है. सो इट्स क्लोज टू माई हार्ट एंड वॉट एवर दे आर डूइंग इज रियली गुड एंड स्पेशली दिस अवार्ड जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. सो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे आर डूइंग. मैडम के लिए क्या कहना चाहें, खुशी मैम और गुरु भाई के लिए? सिर्फ खुशी मैम के लिए तो मैं वो उनकी स्माइल बड़ी अच्छी है, जब भी आप उनसे मिलेंगे वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, तो मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो हमेशा मुस्कुराती रहे. और गुरु भाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका एक स्टाइल एक अलग है, वो भीड़ में आप उनको एक अलग ही नोटिस कर लेंगे. सो मैं चाहता हूँ कि उनका स्टाइल वैसे ही बना रहे, यही कहना चाहूँगा बस. थैंक यू मैडम. क्या कहना चाहेंगे, परफेक्ट वुमेन अचीवमेंट अवार्ड शो का 4th फाइनल है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने अवार्ड्स औरतों के लिए उतना कम, क्योंकि आज की डेट में औरतें, खास करके हमारे टेलीविजन में तो औरतें आप जानते ही हो रूल करती है टेलीविजन को, तो औरतों का जमाना है भाई, पर मर्द भी कुछ कम नहीं है, वो भी साथ साथ चल रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी कि खुशी ठक्कर जी ने इतना अच्छा, गुरु भाई ठक्कर जी ने, खुशी ठक्कर जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है परफेक्ट वुमन. और परफेक्ट वुमन का जो एक जो डेफिनेशन है, उन्होंने एक अलग डेफिनेशन दिया है कि परफेक्ट वुमन सिर्फ खूबसूरती से या अच्छी बॉडी रख के नहीं बनती है. परफेक्ट वुमन वो होती है जो अपने अंदर की कला को बाहर प्रदर्शित करती है और जो हम अपने अपने क्षेत्र में अपना मुकाम बनाती है और अपना नाम बनाती है. मैडम क्या कहना चाहेंगे, जो कंटेस्टेंट यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कर रहे हैं ऑलरेडी और करने वाले हैं, आई एम श्योर कि अगर खुशी जी और गुरु जी ने उन्हें सेलेक्ट किया है तो उनमें कुछ खास ज़रूर होगा, और वही जो जिनमें कुछ खास है वो यहाँ पर है. बस देखना ये है कि उनमें से सबसे बेहतर कौन है. आई थिंक एवरीबडी हैज समथिंग स्पेशल, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा है. सो लेट्स सी. मुझे अवार्ड एक्चुअली हमारे सीरियल दिव्या दृष्टि को भी मिलने वाला है, द बेस्ट परफेक्ट सीरियल ऑफ द ईयर, परफेक्ट सीरियल अवार्ड. एंड हम दोनों दिव्य दृष्टि में हैं और दिव्य दृष्टि एक ऐसा शो है जो मतलब 6 months का शो था और एक्सटेंड होता गया बिकॉज ऑफ गुड रेटिंग्स एंड ऑल, एंड थैंक गॉड फॉर दैट, थैंक यू जीसस. तो वो अवार्ड आज मिल रहा है एंड प्लस आई डोंट नो और क्या मिल रहा है. अगर हमें पता हो कि हमें क्या अवार्ड मिल रहा है तो उसका मजा कैसा फिर. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, काफी लोग सबसे पहले तो परफेक्ट वुमन को ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू खुशी एंड गुरु जी फॉर कॉलिंग अस ऑल हियर, एंड थैंक यू फॉर द अवार्ड्स एंड द ब्यूटी. सारी परफेक्ट वुमन को दे रहे हैं कि हर औरत अपने आप में परफेक्ट है, हर औरत अपने आप में परफेक्ट है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच अ गुड, इतना अच्छा इवेंट था, बिकॉज बहुत रेयर लोग होते हैं जो औरतों को परफेक्ट देखते हैं, बट इन लोगों ने हर औरत में एक परफेक्शन ढूंढा है. सारी एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मदद कर रहे हैं और मतलब इट्स वेरी गुड टू बी हियर. एंड अबाउट आफ्टर दैट ऑल थैंक्स टू गॉड हमारे शो को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें सच में नहीं पता था.
हुआ था, मैं जज करने के लिए आई थी और आज मुझे अवार्ड के साथ ऑनर किया गया है। तो इट्स अ बिग बिग ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ पे हूँ और हमेशा इवेंट बहुत अच्छा होता है, तो इस बार भी बहुत अच्छा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो कंटेस्टेंट अभी परफॉर्म कर रहे हैं और करने वाले हैं? उनको कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट, सब अपना बेस्ट करिए, जीते हारे उससे मतलब नहीं है, आप परफॉर्म कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, वही काफ़ी है। आपको परफेक्ट वुमन का अवार्ड भी मिला है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अवार्ड से मुझे नवाजा गया है, तो आई एम रियली ऑनर्ड ये अवार्ड मुझे मिला है। जब आपका हार्ड वर्क ऐसे पे करता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑडियंस का अप्रिसिएशन, लेकिन जब ऐसी कोई एक छोटी सी चीज़ हाथ में आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ऑडियंस का अप्रिसिएशन आपके हाथ में आ गया ऐसा फील होता है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जिनको अवार्ड मिला उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे? सभी कंटेस्टेंट्स जो पेजेंट के हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस अ लॉट। हर वुमन परफेक्ट होती है, सब वुमेन में से कोई एक परफेक्ट नहीं होता है। सो आई थिंक दैट एवरी वुमन, एवरी गर्ल इज़ अ परफेक्ट वुमन। और दूसरे जो परफेक्ट अचीवर्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुशी मैडम को क्या कहना चाहिए? खुशी मैडम गुरु भाई ठक्कर को क्या कहना चाहिए? खुशी जी, गुरु भाई ठक्कर, यू आर डूइंग अ वंडरफुल इवेंट, आप एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, आप अपने देश की अपने संस्कृति की स्त्रियों को प्राधान्य दे रहे हैं और उनको एनकरेज कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। भगवान करे कि आपकी ये मोटिवेटेड इवेंट बहुत बड़ी बहुत ग्रैंड बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Thank you. Fourth Perfect Achievement Award is, you. How are you feeling in the recipient of the Fourth Perfect Achievement Award is a perfect stylish and the perfect fashion award. आपको कैसा लग रहा है Perfect Fashion का award लेके on the Perfect Achievers Award that is on the fourth edition by the Perfect Women Team? अच्छा लग रहा है बहुत। Sir, I like your shade by the way. It's really nice. You like mine? Yeah. Thank you. And thank you, sir. Thank you, Navi sir. Can we just strike some pose together for the perfect woman team? For the perfect woman team in our boogie woogie style. In like our like perfect woman. It's like that. Will it work? So we can say perfect. Perfect woman. Perfect. Thank you. This is for to support women, to encourage women and also do the women empowerment. So because everybody is only talking about women empowerment, but nobody is actually coming forward to do something for the society. This is only by the perfect woman team, Guru Bhai sir and Dr. Khushi ma'am, Dr. Geet ma'am, they are coming forward to do these kind of events to encourage women, to empower the women. So I think this is truly honor to for us to be on this stage also, and it's truly honor and truly amazed to have the wonderful people around. Thank you so much, Navi sir. Thank you, Ajay. Navijay, I'd like you to stay on stage. Vaishnavi from the Divyadrishti team, can I please have you on stage? Yeah, please come. ये award मिला है, कैसा आप feel कर रहे हैं? Perfect woman ना कि इस award को लेकर। I'm feeling awesome. This is like a big achievement, you know. And I want to thanks to Perfect Achiever Award for this beautiful trophy they have given us. So thank you so much. क्या कहना चाहेंगे, कब से आप लोग ये परफेक्ट वुमेन से जुड़े हैं? Actually, I know them from many years, but this is the first time I'm participating here. I came to receive the award, but I know them from a couple of years. They're inviting me, but कुछ ना कुछ every year हो जाता है तो मैं आ नहीं पाती. But this time I decided I have to come. क्या कहना चाहेंगे गुरु भाई के लिए? गुरु भाई, thank you so much. Because of him, हमें ये इतनी beautiful trophy मिली है. So I want to thank him. You know, like इतना beautiful इन्होंने award function किया है. Thank you so much, Guruji. What according to you are the qualities of a perfect woman? Perfect woman is like a the woman who is like a all-rounder. She can do everything. Like nowadays, like women are like, you know, the same. She can drive, she can cook, she can take care of home, she can walk, she can, you know, explore, she can
be active, she can be everything, pilot or everything, you know. So that's a perfect woman, and we are receiving the award because we are perfect, right? बहुत अच्छे दोस्त है गुरु भाई हमारे, उन्होंने इनवाइट किया हमें आने के लिए, इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अरे इट्स अ प्लेजर। कब से जानते हैं सर गुरु भाई को आप, और कब से जुड़े सर? 6 साल से जानते हैं हम गुरु भाई को। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में सर? आपको भी बड़े भाई बोलो आप थोड़ा गुरु भाई के लिए और अवार्ड के लिए। क्या अभी सनी भाई ने बोला ना, आप भी बोल लीजिए सर। क्या बोलने का गुरु भाई के बारे में? जितनी तारीफ करेंगे गुरु भाई की उतनी कम है। बस 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 बस। फिर आप सोना जो पहनते हैं इतना सारा, तो सोने का बेनिफिट बता दीजिए, पहनने का क्या बेनिफिट है? और आज के यूथ में अगर पहने यूथ है सारा खड़ा हुआ, अगर ये लोग गोल्ड धारण करें तो इससे क्या पॉजिटिवनेस है? गोल्ड हम बचपन से पहनते हैं, अभी थोड़ी पहनते हैं ना। गोल्ड मैन से ही पहनते हैं। Nobody can be like him. He is special, you know. He's India is the best. I'm asking the benefit of the wearing the gold. बेनिफिट के पैसे डबल हो जाते हैं। Because the gold is going up and up, it's not coming down. So if you're wearing gold, if you have a gold chain, so next year it will be increasing. You, the price will be increasing. So you should try one at least. You should have one. Thank you, everyone, media. देखिए, मैं सुफियान कपाड़िया, सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के माध्यम से नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मेरे ख्याल से आखिरी शाम होगी नए जो 2019 की, इतनी बड़ी शाम। और गुरु अंकल जो कि हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन में है, मतलब कि ही इज़ अ फैमिली मेम्बर एंड मैं उनके बच्चे जैसा हूँ। और आप सभी के प्यार से बहुत जल्द इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ, सो इनकी मोहब्बत है जिस मोहब्बत के तले मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और हमारे भाई अज़हर हुसैन जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म देना किसी को एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये प्लेटफॉर्म ऐसे देते रहते हैं। और ये नारी शक्ति तो भाई आजकल हर जगह बोलबाला ही है ना, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो ये वुमेंस के लिए जो कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, जो फैशन शो कर रहे हैं, वो बहुत ही कामयाब है। और चौथी बार कर रहे हैं जैसा आपने बताया, तो डेफिनेटली पहला दूसरा तीसरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा होगा, तभी तो कोई चौथी बार कर रहा है। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला है। किसी भी तरह का अवार्ड बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि आपको वो अवार्ड एहसास दिलाता है कि आप कितने वैल्यूबल हो, आपने कितना वैल्यूबल काम किया है। तो मेरे लिए ये अवार्ड बहुत मायने रखता है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू परफेक्ट वुमेन, एंड आई एम थैंकफुल टू गुरु भाई, आई एम थैंकफुल टू खुशी जी, एंड आई एम थैंकफुल टू गीत जी ऑल्सो कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस लायक समझा अवार्ड देने के लिए, और यहाँ बुलाया और ये अवार्ड प्रेजेंट किया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन एज वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एज वेल। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉज जो गुरु भाई ने इन सब ने ऑर्गेनाइज़ किया। आई थिंक इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म कि आप सबको चांस देते हो अपना टैलेंट दिखाने के लिए, एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग इन लॉट ऑफ ग्रुप्स। एंड स्पेशली मेरा मानना तो है कि जो कहते हैं ना कि औरत हमेशा एक घर का गहना होती है, तो जो गहने होते हैं ना, कभी उनको बाहर निकाल के चमकाना ही पड़ता है, बिकॉज गहना हमेशा चमकता है। सो हमारी जितने भी हमारी यहाँ की महिलाएं हैं, हमारी इंडिया की, आई थिंक दे आर मार्वलस। ये इसी बात पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो शो आ रहा है अभिलाषा गुजराती कलर्स पर, वो इसी गहने वाली बात के साथ मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि वो शो इस चीज़ पर है कि सास जो है वो घर में घरेलू काम करने में और संसार संभालने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो उनकी लाइफ में उनकी बहू आती है जो उन्हें पढ़ाती है, और सास जो है वो बहू को संस्कार सिखाती है। तो ये वही कॉम्बिनेशन है कि सास एक गहना है और बहू उसको बाहर निकाल कर तराश रही है। और वैसे भी कोई एज नहीं होती सीखने की, आई थिंक आप कभी भी सीख सकते हो। एंड हमेशा कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द मेन
जिनकी वजह से हम हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है बाहर आने के लिए और सोने की तरह चमकने के लिए। और मैं अपने हस्बैंड मिस्टर अजीज़ खान को भी शामिल करना चाहूँगी इसमें, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जैसे कहते हैं ना, पांच उंगलियाँ बराबर नहीं होती, जब मुट्ठी बन जाती है तो ताकत बन जाती है। तो वैसे ही हमारी जो भारत की जो नारी शक्ति है वो एक ताकत है। So and one more thing, ma'am, I would also want to thank my mom and dad because jaise kehte na perfect woman, to perfect woman unki wajah se hum aaj shayad yahan is maqam pe nahi hote, unki wajah se aaj hum sab hain. Yes, so apne forefathers hain, yeah, they have like amazing and thank you. Sir, kya kehna chahenge? Perfect woman achiever award आज ग्रैंड फाइनली था, चौथा सीजन था, क्या जी? बेसिकली मैं गुरु भाई ठक्कर, खुशी मैडम और गीता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो टैलेंट छुपा होता है वो टैलेंट को स्टेज पे लाके बॉलीवुड के सामने लाने का सबसे अच्छा जरिया है परफेक्ट वुमेन। तो ये उनका चौथा साल है, तो मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ इस अवार्ड के लिए। उन्होंने मुझे एज अ एसोसिएट इस इवेंट में बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये और ऐसे इवेंट्स करें ताकि जो टैलेंट है उसको बढ़ावा मिले। आप किस तरीके से जुड़े हो सर इस परफेक्ट वुमेन से? देखिए, हम तो इनके गुरु भाई के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हैं। इनका जो भी मीडिया पब्लिसिटी वगैरह होता है वो हम करते हैं हमारे न्यूज़पेपर और वेब चैनल के माध्यम से, और इनकी जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि हो सकती है वो करते हैं एज अ मीडिया पार्टनर इस इवेंट में जुड़ के। सर, जिनको अवार्ड मिला है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको बोलते हैं ना, जिनकी काबिलियत को देखकर अवार्ड दिया गया है, ना कि उनके सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों को देखकर अवार्ड दिया गया है, तो ये काफ़ी सच्चा प्लेटफॉर्म है। जो मतलब जिनको अवार्ड मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं। न्यू ईयर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? मैं तमाम देशवासियों को न्यू ईयर की मुबारकबाद देता हूँ, उनको हैप्पी न्यू ईयर। और ये न्यू ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश में जो माहौल है, तो मेरी सबसे ही अपील है कि शांतिपूर्वक और एक ब्राइट न्यू ईयर मनाएं। भाई एक फोटो भी ले लेंगे। अरे सर, अपन का अपन पीछे वाले लोग हैं, अपना आगे वाले लोग हैं। हाँ, साथ में रहने। ये किसका है भाई, पॉज तो कर। आज आप मिस 2000 परफेक्ट मिस 2019 के विनर हो, क्या कहना चाहोगे? आज का मेरा दिन बहुत अमेजिंग है। जिस दिन का मैं इंतजार कर रही थी, जिस क्राउन का मैं इंतजार कर रही थी, आज मैंने वो हासिल कर लिया है। और जिस जगह को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, स्मॉल टाउन ऑफ जलगांव डिस्ट्रिक्ट, मैंने उन सारी लड़कियों के लिए ये क्राउन जीता है, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ। कितनी तैयारी कर रखी थी आप इस दिन? मैंने एक्चुअली ज़्यादा कोई तैयारी नहीं की थी। जब मैं गीत मैम के साथ ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट किया, मैंने तब से ही तैयारी स्टार्ट की थी। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ देम। क्या कहना चाहेंगे खुशी मैम के लिए, गुरु भाई ठक्कर के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? दे आर अमेजिंग पर्सन्स, देयर बिहेवियर इज वेरी गुड विद अस एंड दे आर वेरी लॉयली स्वीट। जैसे आप विनर हो, बहुत से लोगों को नहीं मिला है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दे आर ऑल्सो वेरी गुड। ये क्राउन सिर्फ मैंने जीता है, नॉट मेरे लिए, जैसे मैंने कहा सारी लड़कियों के लिए, और उन सब के वजह से ये पॉसिबल नहीं था, उन सब की सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्या? मैं बेसिकली पाचोरा शहर फ्रॉम जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरे जैसी और भी बहुत लड़कियाँ हैं जो इसका पार्ट बनना चाहती है फैशन इंडस्ट्री का, बट सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो नहीं आ पाते यहाँ तक। सो बस मैंने सोच लिया कि मुझे कर दिखाना है और मुझे यहाँ तक आना है, मुझे सोसाइटी को प्रूव करना है नो वी कैन बी पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री, एंड यस आई डिड इट। परफेक्ट वुमेन छुपे हुए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, परफेक्ट वुमेन एक छुपे हुए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देता है, इट्स ट्रू। एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू परफेक्ट वुमेन प्राइवेट लिमिटेड मैगजीन, उन्होंने मुझे ये चांस दिया यहाँ तक आने का। जैसा कि आप छोटे शहर से बिलोंग करती है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे और भी लड़कियों को आप?
अपने टैलेंट को छुपाओ मत, अपने टैलेंट को दिखाओ और इस क्राउन के जैसे और भी क्राउन तुम भी हासिल करो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल, मेरा नाम रमन सैनी, मैं पंजाब एक छोटे से गांव गुरदासपुर पिंड गुनोपुर से हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सेकेंड रनर अप होंगी। मेरी मॉम जहाँ वहाँ बैठी है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगी। मैंने सिर्फ ऐसा कैजुअली जस्ट पार्ट लिया था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये प्लेटफॉर्म हाथ से रनर अप मिल जाएगा। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा, बयां नहीं कर सकते। गीत मैडम और खुशी मैडम के लिए क्या कहने चाहेंगे? गीत मैम और खुशी मैम ने जितना मुझे इम्प्रूव किया है ना, उतना एक स्कूल और कॉलेज ने भी इम्प्रूव किया। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो रैम वॉक का मुझे कुछ नहीं आता था। मैम मुझे कहती थी बेटा कर कर, कभी ना कभी तो करेगी। मैं बोली मैम मुझसे नहीं हो रहा है। एक्चुअल में मैं रिहर्सल के टाइम रोती थी। मैम ने मुझे कहा बेटा कर, कभी ना कभी करेगी, लेकिन आज मैंने कर दिखाया। बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज में सिर्फ इतना देना चाहती हूँ कि रोटी पकाने से, बच्चे पालने से कुछ नहीं होता है। अगर खुद का करियर बनाना हो तो मेरे जैसे आगे आओ। थैंक यू मैडम। हेलो, माय नेम इज सुनौती मोरगरे, आई एम फ्रॉम नागपुर। क्या कहना चाहेंगी आज आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच गीत मैम, मुझे इतना ट्रेन करने के लिए, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, यहाँ तक पहुँची हैं। जर्नी के बारे में एक्चुअली मैं मेरे डैड के साथ उनका बिजनेस संभालती हूँ। मैं सारा ऑफिस का काम एक महीने का पूरा साइड में रख के मैंने यहाँ पे आई हूँ। एंड मुझे श्रुतिका मैम ने और गीत मैम ने इतना कॉल पे भी इतना सपोर्ट किया कि नहीं चुनौती, यू शुड डू एंड यू शुड कम, हो जाएगा, डोंट वरी, रैंप वॉक हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी बट फिर मैंने वेट लॉस किया इस कॉन्टेस्ट के लिए। इसके बाद आगे का लक्ष्य क्या है? इसके बाद आगे का लक्ष्य अभी तो क्राउन जीता, अभी डिसाइड करेंगे। वैसे तो डिसाइड किया था कि आगे और जाना है, क्राउन्स और जीतने हैं, सबको दिखाना है कि कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चांस मिले तो बिल्कुल जाऊंगी, अगर खुदा ना खासा मिल जाए तो बिल्कुल जाऊंगी। किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे? कोई भी चलेगा, चैलेंजिंग, मेरा नाम चुनौती है, मैं कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हूँ। एज अ विनर हो मैडम, आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, वुमेन को परफेक्ट करने के लिए एक मैसेज दे दीजिए, कैसे एक वुमेन परफेक्ट, वुमेन एक कैसे परफेक्ट हो, उसके लिए कोई मैसेज? मेरे लिए तो सारी वुमेन परफेक्ट है। परफेक्ट वुमेन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर हर बिलव्ड वंस। थैंक यू। इतनी सी है बट शी इज अ प्राउड मराठी मुर्गी ऑफ मुंबई। आई थिंक ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी आज करते हैं इज्जत से करते हैं और प्राउडली करते हैं, और हमें इसकी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर सामने वाला यू नो 30 मार्क आने तो हम भी कम नहीं है, शुड ऑलवेज बी इन दैट यू नो। एक गाना यू नो हमेशा हिंदी में मेरे खूबसूरत है तो हम भी कुछ कम नहीं है, मुमताज़ का गाना था। आई थिंक ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज सामने वाले से हमें हमेशा। मिस 2019 हुआ है, ये ब्यूटी पेजेंट है जहाँ लड़कियाँ ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये पेजेंट उन डू एंड डोंट्स के साथ नहीं है जहाँ पार्टिसिपेशन के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए, आपके लुक्स होने चाहिए, आपका कलर होना चाहिए, आपका वेट होना चाहिए। सिर्फ आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए जो आपको इस प्लेटफॉर्म तक लेके आ रहा है, और उनके पेरेंट्स हैं जिन लोगों ने एंजल बन के इन बच्चों का साथ दिया है। क्योंकि हर किसी को एक अंदर से एक चाह होती है कि मुझे भी स्टेज बनी है, जो या फ्रॉम जलगांव नागपुर पंजाब। तो यहाँ आपको इंडिया मिलेगा। सो दिस इज परफेक्ट मिस 2019 ऑफ इंडिया। जैसा कि ये लड़कियाँ छोटे से ही जाएंगी, लेकिन कोशिश करने में तो जीत उनकी वही हो जाती है। जब एक इंसान अपने आप में डिसाइड कर ले कि मुझे पार्टिसिपेट करना है या मुझे भी इस मंच में आना है, तो उनकी जीत वही हो जाती है, वो एक इनविजिबल। आज हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेंस एंड वुमेंस दोनों भी इक्वल ही, आज एक घर बना बसता है जब तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। तो उसी तरीके से औरत या मर्द, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट दे इक्वालिटी एंड यस द कॉन्फिडेंस। आज औरतें ज़्यादा चला लेती हैं इंडिया को, आपने ये तो हम सब जानते हैं। गुरु भाई का जो सपोर्ट, जिस तरह से सपोर्ट है उसके बारे में, उनके बारे में प्यार से करती हैं, आज एंकरिंग करती हुई दिखी हैं, तो इनके लिए क्या क्या तैयारी की थी और ये कार्यक्रम के बारे में बताइए। एक्चुअली ये खुशी का दिन है,
एक्चुअली बिकॉज खुशी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल आई एवर मेट. वो जब भी बुलाए मैं आ जाऊँगी. यहाँ एंकरिंग पीआरसी वैसा कुछ नहीं था. शी इज़ माई फ्रेंड, इसने मेरे को बुलाया, मैं आ गई. तो उसमें अगर प्लेट भी सर्व करना पड़े तो सर्व कर लेंगे, हमारे घर की बात. जो विनर बनी है इन लड़कियों को, जो नई प्रतिभाएं यहाँ पे जिसने भी पार्टिसिपेट किया, हर लड़की एक विनर है. बिकॉज जब एक लड़की वहाँ स्टेज पर जाती है तो वहाँ हज़ारों लड़कियों को मोटिवेट करती है कि वो भी आए स्टेज पर खड़े रहे. आज का वो टाइम नहीं है कि आदमी फेयर हो, लगे कि हाँ भाई फेयर एंड लवली लगाए हम सब गोरे हो जाएँ. वो नहीं है. ये ज़माना वो है कि जब हम बॉडी शेमिंग के बियॉन्ड जाए, हर आदमी और औरत को वो जैसा है उसे एक्सेप्ट करे और उसे खूबसूरत महसूस करने का मौका दे. इम्पॉर्टेंट वो है कि हर आदमी जो पार्टिसिपेट करता है वो विनर है, हर आदमी जो चीयर करता है वो विनर है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना पैसा, तन, मन और एनर्जी लगाना और चलते समय पैर भी दुख रहा है फिर भी यार ग्रेशियसली करना. आई थिंक ओनली खुशी कैन डू दैट एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट शी इज डन दैट. वुमन जो ब्यूटी पेजेंट है हमेशा करती हैं खुशी जी और गुरु भाई ठाकुर. तो ये एक बात यहाँ कॉमन रहती है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है. यहाँ पर भी आज वही बात नज़र आ रही थी, एंकरिंग के दौरान नज़र आ रही थी, जिसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? महिला आज मतलब एक्चुअली महिलाएँ हमेशा ही स्ट्रांग होती हैं. आज की तारीख में अगर आप लड़के यहाँ पे कैमरा लेकर खड़े हैं तो इसलिए क्योंकि आपकी माँ आपके पीछे खड़ी है. हमारी माएँ हमेशा हमारे पीछे फोर्स बनकर खड़े हैं और हम सैडली पूरी दुनिया को थैंक यू बोलते हैं. मतलब वो रिक्शे वाले को भी थैंक यू बोल देंगे लेकिन हमारी माँ को हम कभी थैंक यू नहीं बोलते. आज वो दिन है कि सीरियसली अगर आप परफेक्ट वूमन चाहते हैं तो परफेक्ट वूमन वो औरत है जिसने आपके इम्परफेक्शंस के बावजूद आपको एक्सेप्ट किया. किसी ने बोला नहीं मेरा बेटा काला है या इसका नाक टेढ़ा है. कभी किसी माँ ने किसी बच्चे को गलत ढंग से देखा नहीं ना, उसने कभी उसको बदसूरत होने महसूस किया. तो हम क्यों दुनिया को बदसूरती से देखें? हम क्यों ना दुनिया को हमारे माँ के नज़रिए से देखें और देखें कि दुनिया बहुत खूबसूरत है. और इसे खूबसूरत हम तभी बना सकते हैं जब हमारा दिल खूबसूरत हो. जिस्म तो रहता है, चला जाता है, पर आप जो शब्द छोड़ जाते हो वो हमेशा रहती है. परफेक्ट वूमन वो है जो दुनिया के इम्परफेक्शंस को नकार कर उसमें भी परफेक्शन ढूंढती है. परफेक्ट वूमन वो माँ है, जो वाइफ है, वो बहन है, जो चीज़ों को छोड़कर मतलब गलतियाँ छोड़कर अच्छाइयों में ध्यान देती है. हम वुमन तो नहीं बन सकते सब जो हैं, पर हम परफेक्ट तो बनने की कोशिश कर सकते हैं. मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं अपने इम्परफेक्शंस में भी परफेक्टली खुश हूँ. और फाइनली आज आपको परफेक्ट वूमन का खिताब भी मिल गया, अवार्ड भी मिल गया. किस तरह से खुशी का किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे? एक्चुअली आई एम विद द परफेक्ट वूमन, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट अवार्ड दैट आई कैन एवर गेट. एंड खुशी जो खुशी बिखेरती है दुनिया में वो सबसे बड़ी बात है और ये अवार्ड आई डेडिकेटेड टू हर. थैंक यू सो मच. आज मिस 2019 परफेक्ट वुमेन का जो आज आपकी बेटी विनर बनी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है हम कि जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था आज वो सच हो गया. और जो मैंने उसके साथ पार्टिसिपेट किया साड़ी राउंड में, मैं भी पहली बार स्टेज पे आई हूँ और स्टेज पे उसके साथ क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है. कितनी खुशी हो रही है सर आपको? आपकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बन रही है. खुशी मैडम के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है खुशी मैडम मैम और जाकर के गुरु भाई ठक्कर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम लेके छोटे गांव से भी लड़कियां अगर बाहर निकले तो कुछ अपने बड़े शहरों में कर सकती है, ये उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया. उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. खुशी मैडम लिया और जो ठाकर साहब जो भी फैमिली उनके पूरा थैंक यू मैं बोलती हूँ. आपकी लड़की विनर बनी है, क्या कहना चाहेंगे? सेकंड बहुत 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 मेरे को खुशी हुई. एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है लड़कियों को. हाँ बहुत खुशी हुई. थैंक यू मेरे को बहुत खुशी. प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पंजाबी में बोल दो. I'm very happy up of Perfect Miss 2019. She's worked very, very hard since last 3 to 4 months and I'm so glad it finally paid off. Thank you.